हाइड्रोलिक हैंगेज के वो किस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये ले लिया हूँ, तो ये 0 डिग्री वाला हाइड्रोलिक हैंगेज है। तो चलिए इसको लगाने का शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, इस तरह का हैंगेज जो लगाता कैसे है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने जो है कि कितने आसान से ये हैंगर्स लगाकर फाइनली हमने जो कि कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए एक बार इसको इस तरह से जो कि लेके छोड़ दे तो ये अपने आप बंद हो जाता है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को असम वुड कार्पेंटर चैनल पर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो कैबिनेट बना के रखा हुआ है कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे कैबिनेट का दरवाजा फिटिंग कर रहे हैं, वो भी हाइड्रोलिक हैंगेज जो है वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनली 3 दरवाजे पे हैंगेज लगा कर जो फिटिंग करके रख लिया कुछ इस तरीके से, और अभी एक और लगाना बाकी है। तो हमने यहाँ पे जो कि तैयारी करके रखा हुआ हैंगेज लगाने के लिए। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, एक जो कि हाइड्रोलिक हैंगेज जो कि वो किस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये ले लिया हूँ, तो ये 0 डिग्री वाला हाइड्रोलिक हैंगेज है। तो चलिए इसको लगाने का शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी देखिए दोस्तों, इस तरीके का हैंगेज जो लगाता कैसे है। तो यहाँ पे हमने दरवाजे को नीचे जो कि गिरा के रख लिया हूँ। तो चलिए इसको निशान वगैरह लगा के इसको फिटिंग किस तरह से किया जाता है तो वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और साथ साथ हम ले जाके यहाँ पे कैबिनेट पे भी फिटिंग करके भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जो कि हैंगेज लगाकर और फिटिंग करके भी मैं आप लोग फाइनली दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे, और दोस्तों आप लोग बताइएगा इस कैबिनेट का डिजाइन जो कि वो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए काम अपना शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो कि कितने आसान से ये हैंगर्स लगाकर फाइनली हमने जो कि कंप्लीट कर दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से जो कि फिटिंग हो गया। तो दोस्तों आप लोग अगर फिटिंग आता है तो सेम इसी तरह से फिटिंग कर गया तो बहुत ही अच्छी तरह फिटिंग हो जाएगा आपका, देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हाइड्रोलिक है ना, उसके वजह से आप लोग जो कि बंद हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए ये तो हमने लगा लिया, और अभी इस तरफ और 2 लगाएंगे। तो चलिए इस तरह भी मैं किस तरह से लगा तो वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए आप लोग बने रहेगा वीडियो पे।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फाइनली जो कि तीनों हैंगर्स लगा के फाइनली कंप्लीट कर लिया है, कुछ से हमने फिटिंग करके हो चुका है रेडी। तो चलिए अब दोस्तों इसका फिटिंग करने का काम रह गया, तो चलिए बिना देरी के इसका फिटिंग करने का काम भी शुरुआत कर लेते हैं। तो आप लोग देखिएगा मैं किस तरह से जो कि इसको फिटिंग करता हूँ इस कैबिनेट पे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा मैंने जो कि इस दरवाजे पे हाइड्रोलिक हैंगर्स जो कि किस तरह से लगा के फाइनली कंप्लीट कर लिया। तो चलिए मैं आपको एक बार खोल के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब इसका हैंडल वगैरह लगाने का काम भी बाकी रह गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे दोस्तों एक दरवाजे पर हमने तीन ये हाइड्रोलिक हैंगर्स लगाए, देखिए ये कुछ इस तरह से हमने लगा के यहाँ पे रख लिया देख सकते। तो हमने तीन हैंगर्स एक दरवाजे पर लगाए देख सकते कुछ इस तरह से। चलिए इसको आप बंद करके मैं आपको दिखाता हूँ एक बार अच्छी तरह से। तो ये देखिए एक बार इसको इस तरह से जो कि लेके छोड़ने पर यहाँ पे खुद बहुत बंद हो जाता है देख सकते कुछ इस तरह से। तो बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से मैंने फिटिंग करके कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा मेरा ये हाइड्रोलिक हैंगर्स जो लगाने का तरीका कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि दोस्तों मैं जब एक नया वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।